रोजगार ढाबा के जरिए फिल्म अभिनेत्री के लोग तलाश कर रहे हैं हीरा। 20 गांव के 1412 लोगों का अब तक हो चुका है सर्वे। 20 लोगों को मिली है नौकरी। क्षेत्र के 15 किसानों का सीधे बिकवाया जा रहा है उत्पाद। मन के तूफान छलकना है, उबलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून और अस्तु है, तू दोहरा परमी, तेरे कब्जे में है गर्दूं, तेरी ठोकर में जमीं। हाँ उठा, जल्द उठा पाए वो कद्दर से जमीं, मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का। आजमगढ़ मशहूर शहर कैफी आजमी का गांव की मिट्टी से खूब लगाव था। उनका सपना था कि न केवल मेजवा का विकास हो बल्कि पूरे क्षेत्र का भी विकास हो। मेजवा सहित आसपास के गांवों से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कैफी आजमी की फिल्म अभिनेत्री पुत्री सबाना आजमी पिता के इंतकाल के बाद से ही उनकी यादों को सहेजते हुए सपनों को साकार कर रही हैं। And I am the president of an NGO, Mijwa Welfare Society, that works for the empowerment of rural India with a focus on the girl child and women. We do this through education, through employment generation and skill development. अभिनेत्री सबाना आजमी के गांव मेजवा में करीब 2 माह पूर्व ही MWS ढाबा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गांव के पढ़े लिखे बेरोजगारों और प्रतिभावान युवकों को नौकरियां दिलवाई जा रही हैं। युवकों को सही मार्गदर्शन करते हुए उन्हें नौकरी दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक फूलपुर ब्लॉक के 20 से अधिक गांवों का सर्वे किया गया है, जिसमें 364 लोगों का चयन विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में नौकरी के लिए किया जा चुका है। इसमें से 20 लोगों को रोजगार मिल चुका है। जी, मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति है। समाना जी द्वारा संचालित MWS रोजगार ढाबा का हम लोग संचालन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 20 गांव में 1412 लोगों का स्किल सर्वे करवाए हैं, जिसमें से हम लोग 364 लोगों को रोजगार के लिए नियुक्ति किए हैं। उसमें से 20 लोगों को हम लोग अभी तक रोजगार दिला चुके हैं। कोरोना के दौर में जहां लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, वहीं सिने तरीका सबाना आजमी के पैतृक गांव मेजवा से शुरू हुई इस योजना के जरिए जरूरतमंदों को रोजगार देकर उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस ढाबे की खुशबू विदेशों में भी फैलनी शुरू हो जाएगी। लोग योजना और सोच दोनों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। लड़के और लड़कियाँ बिल्कुल बराबर होते हैं, बस हमें मौका मिलना चाहिए। थैंक यू मेजवा वेलफेयर सोसाइटी हमें ये मौका देने के लिए। आज हमारे गांव में किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होती, क्योंकि हम शादी तो करना चाहते हैं लेकिन पढ़ लिख कर कुछ बन जाने के बाद। थैंक यू। It was my dream to come to Mumbai and attend a fashion show. I'm so excited that I still can't believe it. I want to grow up and become an actress like Shobana Bua. Learning is given as is being done in Mijwa. When a learning is given to a woman, it goes much further and wider. Women take it further. They take it to children, they take it to society, they take it to everyone else. And the essence of labor and work is given into the hands of women. They are much more intricate. They are much more honest about it and earnest about it. But the work they're doing, you know, they started with 15 to 20 ladies, young girls, and they've gone on to have about 400 people now. Thank you, Mijwa, for having me over here. Thank you for the stuff that you're doing. मशहूर शायर कैफी आदमी का अपने गांव से बहुत लगाव था। बाहर रहने के बाद भी वह अपनी गांव की मिट्टी से कभी भी अलग नहीं हुए। उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी सिने तारिका सबाना आज भी अपने पिता की यादें को संजो रही हैं और उनके जरिए गांव और शहर की दूरी जो कैफी का ख्वाब था उसको मिटाने का काम कर रही हैं। रोजगार ढाबा के जरिए सबाना आज भी अपने क्षेत्र को लोगों को होनहार लोगों को विकास रोजगार देने का काम कर रही हैं। आशीष तिवारी, UP लाइव।